जी सलाम दोस्तों, अकमल अंग्रेजी वाला आपके साथ मौजूद और आज अली रजा से मैं करवा रहा हूँ हल। गिवन फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट के फिक्रों को हमने बनाना है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, यानी ये पूरे 12 टेंस में से जो कॉम्प्लेक्स टेंस है, क्योंकि ये मल्टीपल टेंसेज को मिला के बनता है। तो आज अली रजा को मैं एंगेज कर रहा हूँ कि आप इस प्रेजेंट इंडेफिनेट आई ईट फूड वाले फिक्रे को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट करके दिखाओ। किस तरह से करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, क्या लॉजिक्स होंगी, क्या गलतियाँ मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, क्या अग्रीमेंट हमने चेक करना, ये सारी चीज़ों में से हम गुजर रहे हैं। अली को मैं गुजार रहा हूँ, आप हमारे साथ साथ चलिए। पहले सीख चुके हैं मेरे टेंसेस, तो ये आपके रिवीजन हो जाएगी, कुछ गलतियाँ तो दुरुस्त हो जाएंगी, और अगर पहली मरतबा भी देख रहे हैं यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट। मेरा नाम है अकमल अंग्रेजी वाला, ये मेरे साथ है अली रजा। चैनल अगर आप पहली मरतबा देख रहे हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ घंटी को ऑन कर लीजिए, और मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 03026924246 वीडियो कोर्सेज के लिए या मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर और अली से ये हल करवाते हैं ये सारा कैसे किया है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए अली से हम पूछते हैं कि अली रजा आपके साथ ये मौजूद है स्टैंडर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का फिक्रा, जो कि सादा तरीन शक्ल होती है किसी भी टेंस की। किसी भी और टेंस को फॉर्मेट करना हो, बनाना हो, तो आप पहले उसको सादा तरीन शक्ल में रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अब इसमें से जो रिक्वायर्ड टेंस है वो हम निकालेंगे। मुझे आपसे रिक्वायर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल का। और मुझे आपसे रिक्वायर्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस PR। हाँ बस ठीक है, आगे PER लिखो, प्रेजेंट हो गया ना, PRE हो गया, तो आगे PRE लिख दो, PER लिख दो, PER आगे CON, तो आपको याद रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए। गिवन फिक्रे को क्या करें हम कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना सकें, उधर लॉजिकली समझाओ पहले ज़रा। मुझे आपके पास फिक्रा मालूम मौजूद है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको बनाना क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्या बनाओगे, क्या क्या तरतीब होगी आपकी, क्या क्या स्टेप होंगे? पहले क्या नाम है इसका, इसके भी तो तीन है, तो आप इनको कैसे करेंगे? तीन नहीं है, प्रेजेंट स्टैंडर्ड है ना, वो तो छोड़ दो, परफेक्ट करना है और कंटिन्यूस करना है। फिर सेकंडली कंटिन्यूस का करेंगे पहले डुप्लीकेट करके, इसको 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 क्या करेंगे, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कौन कौन से करेंगे, ये कितनी डुप्लीकेट्स करेंगे, टू करेंगे, दो डुप्लीकेट्स करेंगे इसके, इस फिक्रे के हम दो डुप्लीकेट्स करेंगे। दो करने की क्या वजह है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, दो टेंस इसके अंदर आ गए हैं, ये दो टेंस हैं इसके अंदर, कौन कौन से, परफेक्ट और कंटिन्यूस, परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस। तो इस फिक्रे में से आप दो फिक्रे बनाओगे, पहले दो डुप्लीकेट्स लोगे और एक को बनाओगे कंटिन्यूस और एक को बनाओगे परफेक्ट। पहले परफेक्ट बनाओगे या पहले कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। नाम किसका पहले आ रहा है, परफेक्ट का पहले, कंटिन्यूस भी पहले, नहीं पहले सेकेंडरी को नहीं बनाएंगे, बेटे दोनों ही सेकेंडरी है, आप दो इसके दो डुप्लीकेट लो, जैसे आपने कहा दो डुप्लीकेट लो, आई ईट फूड, एक डुप्लीकेट ये हो गया, एक हो गया परफेक्ट के लिए और एक हो गया, क्योंकि दो टेंस हमने बनाने हैं परफेक्ट, एक मरतबा परफेक्ट बनाएंगे और एक मरतबा कंटिन्यूस बनाएंगे। चलो बना के दिखाओ मुझे, पहले को परफेक्ट बनाओ और अगले को कंटिन्यूस बनाओ, बना के दिखाओ, साथ साथ बोलना भी है, बोल के बताओ ना, बताना है उधर का। सबसे पहले ना इसका हमने पहले एक डुप्लीकेट ले लिया स्टैंडर्ड टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, उसके बाद फिर हमने पहले करना है परफेक्ट, क्योंकि ये दोनों सेकेंडरी टेंस है, तो इसीलिए हम दो जो पहले आएगा उसको करेंगे। यहाँ पे पहले परफेक्ट है तो पहले परफेक्ट करेंगे, इसके अंदर हमें दो दो लफ्ज़ याद आते हैं, चुका उर्दू के परफेक्ट का जब जब परफेक्ट आए तो चुका चुकी ज़ेहन में आता है, हाँ जी, और लिया ली लिए आता है ज़ेहन में, और इसका इंग्लिश में ये ज़ेहन में आता है दैब, यानी परफेक्ट के लिए जब परफेक्ट का वर्ड ज़ेहन में आता है तो उर्दू में वर्ड चुका चुकी चुके लिया ली लिए आते हैं, और अंग्रेजी में वर्ड कौन सा आता है, हैज़ हैव कहाँ लगता है, हैज़ है वो क्या नाम है इसका, वो वर्ब है, तो उसको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो पहली पोजीशन पर डालेंगे, चले डाल के दिखाओ, यहाँ हैव डाल दिया, और इस हैव की वजह से, इस हैव की वजह से अब आगे क्या होगा,
आगे क्या नाम है इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी क्योंकि उसकी इसके ऊपर कंडीशंस हैं। इसकी इसके ऊपर क्या कंडीशन है के क्या नाम है उसका है इसकी अगर तो मेरे मेरे आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो समझ आ सकता है अगर तो वर्ब आएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा। यानी कहता है कि मेरे बाद कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है लेकिन अगर वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होनी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। करें थर्ड फॉर्म, ये तीसरी फॉर्म कर दी। ये हो गया आपका ए परफेक्ट। किस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट? ए प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्योंकि पहली फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको कौन सा फिर टेंस बनाओगे? ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बेटा इसको ये तो एक मरतबा परफेक्ट तो आपने बना लिया, ये दूसरी जो डुप्लीकेट ली थी ये किस मकसद के लिए ली? ये कंटिन्यूस के लिए। कंटिन्यूस के लिए तो इसको एक मरतबा कंटिन्यूस बनाओगे। कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या जेन में आता है उधर बताना है। कंटिन्यूस जब बनाते हैं तो इसके दो लफ्ज़ जेन में आते हैं, रहा रही रहे, और उर्दू में ये लफ्ज़ याद आते हैं और इंग्लिश में वो इज एम आर याद आते हैं। इज एम आर नहीं नहीं आई एन जी आई एन जी अंग्रेजी में रहा रही का मतलब अंग्रेजी में क्या है? आई एन जी। आई एन जी के आगे रिक्वायरमेंट्स हैं, आई एन जी है तो आई एन जी को कैसे करें? आई एन जी के क्या मसले हैं? आई एन जी के को मसले हैं, क्या मसले हैं? वो कहता है कि मुझे वर्ब के साथ लगाना है। अकेला नहीं खड़ा हो सकता, वर्ब के साथ ऐड करेंगे कि लगाओ। ये ऐड कर दिया वर्ब के साथ और इसका क्या मसला है? और वो कहते ये कांदा लग गया इसको। हाँ, कांदा लग गया और इसको लाठी भी तो चाहिए। एक लाठी चाहिए। लाठी कौन सी होती है? लाठी हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? कितने इज एम आर। इज एम आर कौन सी फैमिली है? बी। बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो यहाँ क्या लगाओगे? बी। अग्रीमेंट चेक करना चाहो तो आई के मुताबिक बी को काट के एम लगा एम कर सकते हैं। कर दो अभी फिलहाल ताकि लोगों को पता चले कि हमने वही किया है। तो ये दो फिक्रे हो गए, एक मरतबा प्रेजेंट परफेक्ट आपने लिख लिया आई हैव ईटन फूड, और एक मरतबा वही फिक्रा जो ईटन आई ईट फूड था उसको आपने डुप्लीकेट करके आई ईट फूड को आई एम ईटिंग फूड कर दिया जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया। दो टेंस हो गया। मैंने आपसे मांगा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए, आपने मुझे दो फिक्रे दे दिए, ऐसा क्यों? मुझे तो एक फिक्रा चाहिए। क्योंकि इसकी दो कॉपीज करेंगे ना, पहले परफेक्ट को करेंगे और फिर कंटिन्यूस को, दोनों इकट्ठे नहीं। नहीं आपने ये दो क्यों लिखे हैं? मुझे तो आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए था, तो आपने मुझे परफेक्ट दे दिया और कंटिन्यूस। इजी करने के लिए लिखी है। इजी करने के लिए आगे क्या करोगे? आगे इसका डुप्लीकेट लूंगा और इसका डुप्लीकेट लोगे या इनको कंबाइन करोगे? इनको कंबाइन करूंगा ना। इनको कंबाइन करने के लिए क्या करोगे? कंबाइन करने का क्या तरीका है? आपस में मर्ज करने का क्या तरीका है? पहले एक तरफ वो रखेंगे हेल्पिंग और दूसरी तरफ वो रखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब साथ से। मर्ज करने का तरीका ये है कि इन दोनों को आप ऑब्जर्व करो और देखो इनमें क्या कॉमन है दोनों में, उनको एक मरतबा नीचे लिख लो। इन दोनों फिक्रों में जो चीज़ें कॉमन मिलती हैं उनके ऊपर सर्कल कर दो और उनको नीचे लिख लो। कॉमन कोई भी नहीं है इन दोनों फिक्रों में। कुछ कॉमन है इस फिक्रे में और इस फिक्रे में कुछ कॉमन है? ये क्या है? आई। ये क्या है? आई। दोनों में कॉमन है तो इनको सर्कल करो नीचे लिखो। ये सर्कल कर दिया और हमने नीचे बड़ा लंबा ना बनाओ, नीचे जगह भी रखनी है। इनको सर्कल करके आपने आई नीचे उतार लिया ब्लैक कलर से उतारो, ठीक है? जो दो फिक्रों को हम मर्ज कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों में जो वर्ड कॉमन है उनको सर्कल करके हमने नीचे निकाल लिया। और देखो क्या कॉमन है? फूड। फूड भी कॉमन है, लिखो। फूड को सर्कल किया और ये भी कॉमन कर लिया, ये हो गया। और क्या कॉमन है? और कुछ भी ईट। ईट दोनों में कॉमन है, सर्कल करो, निकाल लिया। तो ये क्या आ गया आपके पास? आई ईट फूड। ये क्या चीज़ है? इन दोनों में जो स्टैंडर्ड टेंस था जो हमने जिससे निकाले थे ये वो दोबारा हमने बाहर निकाल लिए, अलग कर लिए। अब हम दोनों में से जो कॉमन चीज़ें थी वो अलग कर ली। कितनी चीज़ें जो दोनों में यूनिक है? चार। चार चीज़ें क्या? हैव, हैव हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर एम या बी, बी फैमिली, और यहाँ पर आई एन जी। ये चार चीज़ें हैं, इनका क्या करोगे? क्या करना? इनको अगर आप इधर में मर्ज कर दो, इनको भी किसी तरह कोई फार्मूला लगा के इसमें मर्ज कर दो, ये दोनों फिक्रे कंबाइन होके मर्ज होके एक सेंटेंस बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या करोगे, कैसे करोगे? ये क्या नाम है उसका हैव एम है तो ये क्या नाम है इसका बी बन सकता है, कहता है कि मेरे साथ बी आ सकता है। दोनों ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का उसूल क्या है? कि उसको पहली जगह मिले। दोनों फिक्रों के हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पहली जगह मिलनी चाहिए। बी भी कहता है मुझे पहली जगह मिलनी चाहिए, हैव भी कहता है ये मुझे
पहली जगह मिलनी चाहिए। इनके अपने अपने फिक्रों में तो इनको पहली जगह मिल गई थी, लेकिन अब जो फिक्रा है उनमें हम पहली जगह दोनों को नहीं दे सकते, एक को दूसरी ही जगह देनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या, इस झगड़े को कैसे दुरुस्त करोगे आप, कैसे बताओ? यहाँ ये इंडिपेंडेंट फिक्रे थे, इनको इसको हेल्पिंग वर्ब था, पहली पोजीशन मिल गई। यहाँ ये फिक्रा था, ये हेल्पिंग वर्ब था, इसको पहली पोजीशन मिल गई। अब इनको कंबाइन कर रहे हो तो जाहिर है एक को हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना पड़ेगा, एक को बाद में लगाना पड़ेगा, ये अब इनका झगड़ा हो जाएगा। दोनों चाहते हैं कि मेरा हेल्पिंग वर्ब पहले लगे। आप किस उसूल के तहत इनको लगाओगे, कोई ऐसा आपको हिंट या कोई आइडिया मिल सकता है? है, क्योंकि वो सरबड़ा है इसलिए वो पहले आएगा। वो किसका सरबड़ा? ये भी बीबी अपनी जगह से सरबड़ा है, फंस गए ना, क्योंकि ये पहले परफेक्ट आना था तो बाद में कंटीन्यूअस आया। नाम क्या है? देखो अली फंस रहा था लेकिन उसको सीखा हुआ था, याद आ गया, आप भी ध्यान में रखें। हम ये झगड़ा कहाँ से दुरुस्त करते हैं, दोनों के नाम पढ़ते हैं, जिसका नाम पहले आ रहा है उसके हेल्पिंग वर्ब को पहले जगह दे देते हैं। लगाओ, अब यहाँ से इसको काटो, काटा और कहाँ लगाया, ये हैव यहाँ लगा दिया काट के, इसको कहाँ लगाओगे, इसको यहाँ से काटोगे, यहाँ पे लगा दूँगा, एम को काटोगे यहाँ से, और भाई यार एम है भाई, यार वो एम है, आई हैव एम हो गया, और दो चीज़ें कट होके आ गई इसमें, दो चीज़ें रह गई जो कंबाइन होने वाली रहती हैं, क्या चीज़ें हैं? आई एन जी और थर्ड फॉर्म। आई एन जी और थर्ड फॉर्म। आई एन जी कहाँ लगाते हैं? आई एन जी वर्ब के साथ। आई एन जी वर्ब के साथ लगाते लगा दो, ये हो गया। एक चीज़ रह गई थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म करोगे है उसको करेंगे, इसको है के बाद क्या आ रहा है? बी ओ एम। एम को कैसे हो, एम तो हो सकता है आपके बाद है, एम हो सकता था उसके बाद नहीं, एम को फिर थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा ना। लगा रो इसे, क्या इसकी थर्ड फॉर्म करो। एम की तीसरी फॉर्म कौन सी होती है? कौन सी? आई एन जी तो वहाँ लग गया था ना, थर्ड फॉर्म रह गई थी तो एम यहाँ लगा हुआ था, एम को इसकी वजह से हम थर्ड फॉर्म कर देंगे, हैव की वजह से एम थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बीन। हाँ, ये बीन किस वजह से आया, पहले तो एम था ना, क्योंकि इस हैव की रिक्वायरमेंट है कि ये थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म वाली शर्त पूरी हो गई, आई एन जी को टिक करो, हो लग गया, ये लग गया, थर्ड फॉर्म वाली जगह पूरी हो गई, हैव की वजह से हो रहा, हो गया। अग्रीमेंट चेक करो, आई हैव बीन ईटिंग फूड, देखो सारा टिक मार्क करो, जो अगर यहाँ को मसला है आई के बाद हैव ओके, हैव के बाद बीन ओके, ईटिंग फूड ओके हो गया। ये फिक्रा परफेक्ट टेंस बनाने का, ये फिक्रा आपको दुरुस्त हो गया। मैंने पहले सिखाए हुए भी हैं कैसे बनाने हैं, किन उसूलों के तहत बनाने हैं, किन उसूलों के तहत। हमने पहले ये फिक्रा स्टैंडर्ड फिक्रा था, इसको परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए हमने पहले दो डुप्लीकेट्स लिए, एक डुप्लीकेट लिया परफेक्ट बनाने के लिए, एक डुप्लीकेट लिया कंटिन्यूस बनाने के लिए। इस फिक्रे में ये दो चीज़ें हमने डाली, हैज़ हैव, और इसकी वजह से ये थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट हो गया। इस फिक्रे में आई एन जी डाला, आई एन जी, और आई एन जी को सहारा दिया बी का, तो ये कंटिन्यूस टेंस बन गया। अब इन दोनों को, दोनों में से जो, दोनों फिक्रों में जो कॉमन चीज़ें थी वो नीचे निकाल ली, आई कॉमन निकाल लिया, सब्जेक्ट कॉमन निकाल लिया, वर्ब कॉमन निकाल लिया, ऑब्जेक्ट कॉमन निकाल लिया। और जब कॉमन निकालिए तो हमारे पास चार अलग चीज़ें रहेगी, इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब दो, इसका आई एन जी, और इसकी तीसरी फॉर्म, ये चार चीज़ें हमारे पास रहेगी। दोनों हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट ये है कि उनको फिक्रे के सब्जेक्ट के बाद फौरी तौर पर लगाना चाहिए, लेकिन दोनों को हम ऊपर नीचे नहीं लगा सकते, एक को पहले ही लगाना पड़ेगा, एक को बाद में। उसूल तो यही है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाना चाहिए। तो हमने इसका फैसला कहाँ से करवाया, जैसे नाम जिसका पहले आ रहा है परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसका नाम पहले आ रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, जिसका नाम बाद में आ रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एम की शक्ल में, ये एम हमने नीचे उतारा था, लगा दिया था, ठीक है। ये दोनों को हमने यहाँ से टिक करके काट के यहाँ लगा लिया, दो चीज़ें कवर हो गई। आई एन जी जो थी वो वर्ब के साथ ही हमने दोबारा वर्ब के साथ नीचे उतार ली, और तीसरी फॉर्म की ऑप्शन रह गई थी। जब हमने कंडीशन चेक की, आई के बाद हैव और हैव के बाद एम पहली फॉर्म में नहीं लग सकता, हैव के बाद जो भी वर्ब आएगा वो तीसरी फॉर्म आएगा, तो उस एम को कन्वर्ट करके हमने बीन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इस हैव ने ये वाला मसला भी थर्ड फॉर्म वाला हल कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी सीख पाए हैं, आप भी लॉजिकली आपको हर चीज़ों की समझ आ गई है। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कीजिएगा, या मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता करके मज़ीद आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरे वीडियो कोर्सेज मेरी वेबसाइट www.theskillsets.com पर ले सकते हैं, और मेरी लाइव क्लासेस के लिए मेरे
व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप लाइव क्लास एनरोल कर सकते हैं।